हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं वेलनेस वर्थ चैनल पे। और आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, इसमें हम लेंगे आज जिंक। जिंक वी आर टेकिंग एज ए न्यूट्रिएंट दैट इज डिफिशियंट इन द बॉडी। तो इसके कॉजेस क्या होंगे और इसके रेमेडीज क्या हैं, ये हम देखेंगे। आइए सबसे पहले ये देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स बॉडी में डिफिशियंट क्यों होते हैं। सबसे पहला रीज़न, अगर हमारे गट्स यानी कि इंटेस्टाइन्स डैमेज हैं, ओके, तो फिर वो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं हो सकते हैं। इसका रीज़न हो सकता है गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करके निकाल लिया गया होगा गॉल स्टोन्स की वजह से, या फिर हो सकता है बाइल सेक्रीशंस सही नहीं हो रहे होंगे बॉडी में, जिसकी वजह से विटामिन्स ए डी ई के जो है प्रॉपरली अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है। ओके, तो दिस इज द रीजन दैट द गट इज डैमेज्ड। और रीजन नंबर टू देखते हैं, इसमें हो सकता है हम सही खाना नहीं खा रहे हैं, जो हमको खाना चाहिए द राइट फूड वो हम नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन यू नो दिस न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इज देयर इन द बॉडी। थर्ड रीजन हो सकता है जो खाना हम खा रहे हैं, जो ग़िज़ा हम ले रहे हैं, हो सकता है उसी में डिफिशियंसी हो, उसी में न्यूट्रिएंट्स सही नहीं हो, क्योंकि वो मे बी इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन पुअर सॉइल। ओके, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, सफिशियंसी उसको नहीं मिली होगी न्यूट्रिएंट्स की या नाइट्रोजनस वेस्ट की प्रॉपरली, तो जिसकी वजह से वो फूड में ही न्यूट्रिएंट की कमी रही होगी, तो दैट्स वन ऑफ द रीज़न। ओके, और नंबर फोर, ये वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है न्यूट्रिएंट डिफिशियंट होने का बॉडी में, ईटिंग रिफाइंड फूड्स। ओके, यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जब हम खाते हैं तो दैट विल रॉब अस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, नॉट ओनली जिंक दैट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे, बट इन फैक्ट ईटिंग सिंपल कार्ब्स विल रॉब अस ऑफ ऑल द बेटर न्यूट्रिएंट्स दैट आर गोइंग टू बी अब्सॉर्ब्ड। बेसिकली यही चार तरीके हैं जिसकी वजह से बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो सकती है। आइए हम आज देखेंगे जिंक रिलेटेड डिफिशियंसी के क्या कॉजेस हैं और उसको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं। बॉडी में जिंक डिफिशियंसी है ये पहचानने के लिए एक इंडिकेशन ये भी है कि हमारे नाखूनों पे सफ़ेद वाइट कलर के छींटे हो जाते हैं। ओके, वी गेट वाइट स्पॉट्स ऑन आवर नेल्स, दिस इज वन ऑफ द रीजन वी कैन से दैट न्यूट्रिएंट ऑफ जिंक इज डिफिशियंट इन द बॉडी। ओके, इसका कॉज हो सकता है कि मे बी नॉट डायरेक्टली जिंक की कमी हम लोग बॉडी में खाने की वजह से नहीं हो के भी, हम अगर हम जिंक बराबर ले रहे हैं खाने से या द वेजिटेबल्स फ्रूट्स वी ईट, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जिंक प्रॉपरली आ भी रहा होगा, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जब हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट शुगर्स खाते हैं तो दैट विल नॉट अलाउ अस टू अब्सॉर्ब द जिंक इन द बॉडी, तो जिसकी वजह से जिंक डिफिशियंसी हो जाती है। यानी कि बॉडी में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाने की वजह से जिंक अब्सॉर्ब नहीं हो पाता है बॉडी में, तो यहाँ पे जिंक डिफिशियंसी होती है। तो इसको एड्रेस करने के लिए सिंपली यह है कि हम जिंक ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे। बेसिकली जो जंक फूड हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जैसे कि क्रैकर्स, ब्रेड, सेरल्स, पास्ता, ये सारी चीज़ें हमको कट करना पड़ेगा। फिर जब हो जो हम खा रहे हैं जिंक न्यूट्रिएंट्स, जिंक सोर्सेस के फूड जो खा रहे हैं वो हमारे बॉडी में प्रॉपरली अब्जॉर्ब होगा। पॉइंट नंबर टू देखते हैं इसमें, ऑयली स्किन। ओके, पहला था वाइट स्पॉट्स आते हैं नाखूनों पे, जो एक इंडिकेटर हो सकता है जिंक डिफिशियंसी का। दूसरा है ऑयली स्किन। ओके, ऑयली स्किन बेसिकली ये सिबेशियस ग्लैंड्स की वजह से होता है, जहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इम्बैलेंस ऑफ द हार्मोन एंड्रोजन है। एंड्रोजन इम्बैलेंस कैसे हो सकता है, यहाँ पे भी जो जिंक की कमी जब हो जाती है तो वो न्यूट्रिएंट यानी कि जिंक न्यूट्रिएंट प्रॉपरली एंड्रोजन को एड्रेस नहीं कर पाता, उसको रेगुलेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एंड्रोजन में अप्स एंड डाउन्स होते हैं एंड दैट विल कॉज ऑयली स्किन, स्पेशली इन फीमेल्स विथ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS में ये देखने को मिलता है कि एंड्रोजन हाई रहता है, और इसकी वजह है कि इंसुलिन हाई रहता है, और इंसुलिन हाई रहने की वजह यह है कि हम शुगर्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं।
ओके सो दिस इज द कॉज वी कैन फाइंड, और जो इसका सोल्यूशन यही है कि हमको अगेन यू नो कार्बोहाइड्रेट्स को कट करना पड़ेगा. ओके व्हेन वी टेक लॉट ऑफ शुगर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दैट विल नॉट अलाउ जिंक टू बी अब्सॉर्ब, यानी कि जिंक अब्सॉर्ब होने से पहले ये कार्बोहाइड्रेट्स अब्सॉर्ब हो जाता है बॉडी में और उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है अब्सॉर्ब होने की. तो जिंक ऐसे ही एक्सक्रीट हो जाता है, जिंक विल नॉट बी अब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी दस क्रिएटिंग डिफिशियंसी. ओके सॉल्यूशन इसका यही है कि वी हैव टू टेक जिंक एंड कट कार्बोहाइड्रेट्स. और सोर्सेस ऑफ जिंक हैं वेजिटेरियंस के लिए होल ग्रेन्स, बीन्स, चिक पीज यानी कि चना, और नट्स जैसे कि कैश्यू, वॉलमंड वगैरह ये हम खा सकते हैं, काजू बादाम, चने, बीन्स और होल ग्रेन्स ये ले सकते हैं वेजिटेरियंस खाने वाले. और नॉन वेज के लिए भरपूर जिंक मिलेगा सी फूड्स में, रेड मीट में, चिकन में और एग में. ओके ये चीज़ें बेसिकली नॉन वेज खाने वाले खाते ही हैं तो जिंक उनके बॉडी में जाता है. यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतना सब तो हम खाते हैं नॉन वेज फिर भी जिंक की कमी क्यों होती है, तो उसका मतलब यही है कि हम जो है ना साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत खा रहे हैं जिसकी वजह से जिंक प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है. ओके चलिए जिंक क्या है. जिंक इज एन एसेंशियल मिनरल विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी बट वी नीड इट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स. ओके एसेंशियल न्यूट्रिएंट, एसेंशियल मिनरल का मतलब यही है कि हम जिंक को बाहर से अब्जॉर्ब करना पड़ता है, हमारी बॉडी वो नहीं बना पाती. जिंक हमारे बॉडी में हमारे ग्रोथ को बढ़ावा देता है, इट हेल्प्स इन अवर ग्रोथ, इट हेल्प्स इन द डीएनए सिंथेसिस और इट हेल्प्स इन इम्यून फंक्शंस. ओके हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में ये बहुत कारामद साबित होता है. ओके हमने ऑफ लेट देखा होगा कि कोविड के सीजन में जिंक का इस्तेमाल करने को बोला गया है, फिर दूसरा विटामिन्स सी और डी का इस्तेमाल करने को बोला गया है. तो ये हमने वी हैव सीन दैट, वी हैव हर्ड दैट जिंक इज ऑल्सो एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट इज रिक्वायर्ड टू बूस्ट अवर इम्यून सिस्टम, राइट. एंड जिंक ऑल्सो हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म फंक्शंस. जिंक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर वुंड हीलिंग. ओके वो हमारे वुंड हीलिंग में, जख्म के निवारण में या द प्रोसेस ऑफ वुंड हीलिंग उसमें वो बहुत कारामद साबित होता है. और इसके अलावा ये हमारे टेस्ट को और स्मेल को सेंस करने में मदद करता है. चलिए दो तो मैं बताया, दो रीजंस, एक तो नाखूनों पे वाइट छींटे और दूसरा ऑयली स्किन हो सकती है. और दूसरे भी देखेंगे हम कि जिंक डिफिशियंट होने से बॉडी में क्या होता है. ओके एक तो ये है कि वेट लॉस होता है, ओके वी लूज वेट ऑफ द बॉडी. और दूसरा वुंड हीलिंग में दुश्वारी होती है. फिर अलर्टनेस, ओके हमारे रिस्पॉन्स में कमी होती है. फिर डिक्रीज स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, वी कैनॉट फील प्रॉपरली द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट. और दूसरा हो सकता है डायरिया, लूज मोशंस हो सकते हैं. फिर भूख नहीं लगना ये हो सकता है. और फिर इम्यून डिफिशियंसी को ये बढ़ावा मिलता है. ओके हमारी इम्यून डिफिशियंसी होती है फिर बॉडी में हमको ना इन्फेक्शंस वगैरह काफ़ी सारे जल्दी जल्दी होते रहते हैं ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इन्फेक्शंस विल बी मोर. ओके बिकॉज ऑफ द इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन कॉज्ड बाय मे बी जिंक. इन मोर सीवियर केसेस, ओके इन मोर सीवियर केसेस जिंक डिफिशियंसी कॉजस हेयर लॉस, डिलेड मेच्यूरेशन, सेक्शुअल प्रॉब्लम्स इन मेल्स रिलेटेड टू टेस्टोस्टेरोन एंड आई एंड स्किन लीजन्स. ओके इन सब के अलावा कुछ बीमारियां ऐसे हैं जो जिंक डिफिशियंसी के एसोसिएशन में हैं, सच एज विल्सन्स डिजीज. ओके ये एक्चुअली कॉज होता है, इसका कॉज है एक्सेस कॉपर इन द बॉडी. और एक्सेस कॉपर इन द बॉडी जब होता है जब जिंक की कमी होती है. ओके व्हेन द जिंक इज डिफिशियंट इन द बॉडी कॉपर विल बी मोर एक्सेस इन द बॉडी, कॉपर विल बी एक्सेस इन द बॉडी एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन्स फॉर विल्सन्स डिजीज.
वैसे दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू मेजर द विल्सन्स डिजीज, इसके लिए ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह और होता है, फर्दर डायग्नोसिस इज रिक्वायर्ड इन दिस। सिम्टम्स ऑफ विल्सन्स डिजीज है फेटीग, लैक ऑफ एपेटाइट, एब्डोमिनल पेन यानी कि थकान, भूख नहीं लगना, पेट में दर्द, फिर जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स, स्किन का येल्लो होना, आंखों का येल्लो होना, और फिर उसके अलावा गोल्डन ब्राउन आईज, ओके गोल्डन ब्राउन आईज जैसे कॉपर रिलेटेड आईज हो जाते हैं, गोल्डन ब्राउन आईज कलर होता है। देन बिल्डिंग अप ऑफ फ्लूइड, पैरों में पानी का जमा हो जाना, ओके लॉट ऑफ फ्लूइड विल बी एक्युमुलेटेड, यानी कि स्वेलिंग नज़र आती है पैरों में और एब्डोमेन में, पेट के एरिया में, ठीक है। फिर विल नॉट बी एबल टू स्पीक प्रॉपरली, ओके स्पीच में प्रॉब्लम होती है, निगलने में प्रॉब्लम होती है, फिर फिजिकल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, ओके कुछ काम करने में दिक्कत महसूस होती है, वी कैन नॉट प्रॉपरली कोऑर्डिनेट फिजिकली फॉर द एक्टिविटीज दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म। फिर अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स एंड मसल स्टिफनेस, ओके दीज आर द सम सिम्टम्स ऑफ विल्सन्स डिजीज व्हिच इज एसोसिएटेड विद जिंक डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ कॉपर। दूसरी डिजीज है विच इज एसोसिएटेड विद जिंक इज सिकल सेल डिजीज। सिम्टम्स हैं पेन इन द जॉइंट्स और पेन का सडन चेस्ट में होना और पीरियोडिक एपिसोड्स ऑफ एक्सट्रीम पेन, जिसको हम पेन क्राइसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये पेन बहुत तकलीफ दे होता है, इट्स वेरी एक्सट्रीम पेन, और फिर होल बॉडी डिजीनेस फील करती है, फिटीग और ऑक्सीजन का लो होना बॉडी में, क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स को मारता है। इन दिस डिजीज रेड ब्लड सेल्स आर ब्रोकन डाउन एंड डाइड, और इसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स बॉडी में कम होते हैं, और जब रेड ब्लड सेल्स कम हैं तो फिर जाहिर है कि ऑक्सीजन सप्लाई भी बॉडी में कम है, सो जिसकी वजह से फिर फेटीग, डिजीनेस, कमजोरी ये सब महसूस होती है, ओके। फिर विजन प्रॉब्लम्स भी हैं, फिर डिलेड ग्रोथ एंड मैच्योरेशन डिले, और फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शंस ज़्यादा होता है, क्योंकि फिर वो इम्यून सिस्टम डाउन है, तो ये सारी चीज़ें और इन्फेक्शन ज़्यादा ज़्यादा होते हैं, ओके। इसके अलावा हो सकता है और इन्फ्लेम्ड फिंगर्स, टोज, और डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, येलो स्किन, जॉन्डिस टाइप स्किन एंड आईज, ओके ये सारी चीज़ें सिकल सेल डिजीज के सिम्टम्स में आती हैं, जो अगेन इट इज़ एसोसिएटेड विद जिंक डिफिशियंसी। और एक डिजीज है क्रॉनिक किडनी डिजीज, CKD कहते हैं इसको, ये भी एक्चुअली इसको भी टेस्ट के जरिए पता चलेगा, बट बेसिकली ये मान के चलते हैं कि लो डाइटरी इनटेक ऑफ जिंक इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ CKD, ओके क्रॉनिक किडनी डिजीज बॉडी में हो सकती है इवन इन इंडिविजुअल्स विथ नॉर्मल रीनल फंक्शन, ओके इसके साइंस हैं थकान होना, एनर्जी का कम होना, ओके ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग, अलर्टनेस में कमी, ओके फिर नींद का प्रॉपरली नहीं आना, ड्राई स्किन, इची स्किन, यूरिनेट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी यूरिन को जाना ऐसा महसूस होता है, फिर यूरिन में फोम, ओके द यूरिन विल बी फोमी एंड वी विल आल्सो फील द पफिनेस अंडर द आईज, ऑल दीज आर द कंडीशंस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। One more is that, like chronic kidney disease, we have chronic liver disease also. Okay, in this also, zinc deficiency is linked. And again, the tests will determine whether it's a chronic liver disease. So, symptoms dekhte hain, chronic liver disease ke, isme bhi fluid buildup hai, ascites kehte hain isko, pet ke around mein fluid buildup hona, phir vomiting blood, okay, hamare food pipe se blood ka vomit hona, और गॉल स्टोन्स का फॉर्मेशन, इचिंग ऑफ द स्किन, अगेन जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स, येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आईज, ओके फिर किडनी फेलियोर, मसल लॉस, ओके मसल लॉस दुबले होते चले जाते हैं, फिर लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि खाना हम ठीक से खा नहीं पाते, भूख नहीं लगती है, ठीक है। सो दीज आर अगेन द सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज।
Due to zinc deficiency, as I mentioned earlier, there will be hair loss, hair fall. Okay, so again, there is a problem here with zinc deficiency. It's very important that we have to maintain the zinc balance in the body and ensure that our hairs are properly there in place. Okay, healthy. Okay, zinc plays a very important role in hair tissue growth and repair. It also helps to keep the oil glands around the follicles working properly. Hair loss is a common symptom of zinc deficiency. जब जिंक डिफिशियंसी से बाल झड़ रहे हैं तो हमको फिर कार्बोहाइड्रेट्स कट करना है. वी हैव टू कट डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड ईट लॉट ऑफ नेचुरल सोर्सेस ऑफ जिंक, आइदर इन वेजिटेरियन फॉर्म और नॉन वेजिटेरियन फॉर्म, सो दैट यू नो वी कैन गेट बैक अवर हेयर एंड मेंटेन एंड मैनेज देम प्रॉपरली. ओके, तो ये सारी चीज़ों के वेयर द जिंक्स आर एसोसिएटेड, ना मैं बताया आपको सिकल सेल डिजीज है, क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज और विल्सन्स डिजीज, ये सारे डिजीजेस के रीजंस, कॉजेस और दूसरे भी हो सकते हैं, बट द जिंक इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दीज डिजीजेस. ओके, सो वी हैव टू इंश्योर दैट प्रॉपर जिंक बैलेंस इज मेंटेन. और जिंक बैलेंस मेंटेन करने के लिए नेचुरल सोर्सेस खाना चाहिए एंड वी कैन मेंटेन जिंक बैलेंस. लेकिन जिंक बैलेंस मेंटेन करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू कट डाउन द कार्बोहाइड्रेट. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हमको कट करना पड़ेगा, जब जाके हमारे बॉडी में जिंक की सफिशियंसी होगी और हम काफ़ी सारे क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज जैसे भयानक बीमारियों से हम बच सकते हैं. वरना फिर इसका रीजन ढूंढते रह जाते हैं, लिवर खराब हो गया, जॉन्डिस आ गया, ये सारी चीज़ें आते हैं ना, अचानक ही आती हैं, लेकिन मे बी वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट इट टू द जिंक, राइट. सो अगर हम पहले से ही हम कार्बोहाइड्रेट्स को कट डाउन करके हमारा जो गिज़ा है, खाने पीने की चीज़ें हम सही ढंग से खाएंगे, तो हो सकता है फिर हमें भयानक बीमारियों से भी बचे रहेंगे. ठीक है, तो टेक केयर गाइस, दिस इज द फर्स्ट ऑफ द सीरीज दैट आई हैव प्रोड्यूस्ड हियर. ये जिंक है और अगले जाते जाते हम और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को भी टच करेंगे. मेरा नाम है नवीद, मैं हेल्थ एंड सेफ्टी कोच, फाउंडर वेलनेस वर्थ. वेलनेस वर्थ के साथ बने रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही नेचुरल ट्रीटमेंट मेथड्स बताते रहते हैं. और किसी को कांटेक्ट करना है तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं. यू कैन विजिट माय वेबसाइट www.wellnessworth.com और वहां से यू कैन कांटेक्ट मी. देयर इज अ व्हाट्सएप नंबर देयर इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द वेबसाइट. यू कैन कांटेक्ट ऑन द व्हाट्सएप नंबर. वी कैन कनेक्ट फॉर एनी कंसर्न्स दैट यू मे हैव. ओके, एंड वी ऑल्सो कंडक्ट 5 days रेसिडेंशियल कैंप फॉर द क्रॉनिक पेशेंट्स जो रेगुलरली टैबलेट्स पे या मेडिकेशंस पे हैं. ऐसे लोगों के लिए 5 days कैंप करते हैं हम लोग, जिसमें वी ट्राई टू चेंज देयर लाइफस्टाइल. हम उनका लाइफस्टाइल चेंज करके उनको एक सही पाथ पे लेके आते हैं, उनका खाने पीने का, रहने का सलीका चेंज करते हैं. सो दिस विल ब्रिंग सम गुड रिजल्ट्स इन देयर हेल्थ. ये हमने देखा है. सो इफ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस इन दिस रिगार्ड आल्सो, दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर और थ्रू कंसर्न्स इन दिस कमेंट बॉक्स और इन द वेबसाइट क्वेश्चनेयर. थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी. स्टे सेफ टिल वी मीट नेक्स्ट.